Hello everyone, my name is Priya Mehta and welcome to my channel Speak and Span Learning. 14th June 2020 को बॉलीवुड के एक नामी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अचानक आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद सारी मीडिया एंड पब्लिक का ध्यान इस ओर गया कि किस तरह स्टार किड्स बिना स्ट्रगल के सक्सेस पाते हैं और बिना गॉडफादर वाले टैलेंटेड एक्टर्स की लाइफ स्ट्रेसफुल होती है। इन सब के साथ जो वर्ड उस वक्त से सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है, दैट इज नेपोटिज्म। सो आवर वर्ड ऑफ द डे इज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म इज अ नाउन। नेपोटिज्म का यूज संज्ञा के रूप में होता है। मीनिंग ऑफ नेपोटिज्म इज practice of favoring relatives or friends, especially in job. Nepotism word English के nephew से आया है, जिसका हिंदी होता है भतीजा। इसलिए nepotism का हिंदी है भाई भतीजावाद, यानी स्वजन पक्षपात। Now, synonyms for nepotism are favoritism, bias, partiality, and unfairness. Now, antonyms or opposite words for nepotism are fairness, impartiality, unbiasedness, and neutrality. The use of the word nepotism in a sentence. It all started with Kangana Ranaut calling Karan Johar flag bearer of nepotism in an episode of Coffee with Karan. अब इस सेंटेंस को हिंदी में अनुवाद करते हैं। यह सब कंगना रनौत ने कॉफी विद करण के एक एपिसोड के दौरान करण जौहर को भाई भतीजावाद का झंडा बरदार कहकर शुरू किया था। आई हैव एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ नेपोटिज्म। इट इज वेरी इसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग and do not follow or support nepotism. Thank you.